क्या है दोस्तों, आज जो हमारे पास बिजली के काम के एक्सपर्ट मुकेश जी आए हुए हैं। नमस्ते मुकेश जी। मुकेश जी, ये बताइए कि बिजली का काम कैसे सीखा जाए, कैसे हम काम बिजली का काम सीखना हो तो हमें कैसे सीखना चाहिए? सर, जैसे कोई काम कर रहा हो हाँ, उसको देखना चाहिए कैसे कर रहा है। तो इस काम में आगे कह रही है कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, मतलब एक व्यक्ति अगर अपने आप को सेटल करना चाहिए तो कितने इसकी अपॉर्चुनिटी, कितना मतलब इसमें हम महीने का कमा सकते हैं पैसे? काम के ऊपर बैठ कर। अच्छा, जैसे काम आज 1000 रुपए और कर लूं, 200 रुपए का होगा, उसको क्या, उसको क्या मीन से जितना आपके पास काम में ज्यादा आएगा उतना उतना पैसा बनेगा। मीन से इसमें तो वो है आपके, जितना आपके पास काम ज्यादा आएगा सर्विस है। सर्विस है, ठीक है। और इसमें कुछ रिस्क भी है? ऐसे है ना, जैसे कहते हैं बीच में बहुत सारे लोगों को करंट लग जाता है, लाइफ का काफी रिस्क होता है इसमें, यहाँ सीखने वाले को कोई रिस्क है? सीखने वाले क्या, मैं सोच बंद करो, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा है, ठीक है, हम इस तार को हाथ नहीं लगाएंगे। सही बात, ठीक है, सही। तो कर दो, ठीक है, जो डर लगता है तो मैसेज कर दो, ठीक है, ठीक है। नहीं, मतलब रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, मतलब करंट लगने का रिस्क है। पर जिसको काम आ जाता है उसको उसके लिए कम नहीं। ये जो घर में आप फिटिंग करते हो, जो मेन तारों में फिटिंग है, उसमें कोई डिफरेंस है? जैसे मैंने देखता है कि लोग, एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो खंभे पे चढ़ जाते हैं। खंभे में हमारा काम नहीं है, ठीक है, खंभे का जो सरकारी मुलाजिम है वही चढ़ेगा। अच्छा, वही चढ़ेगा, आम व्यक्ति या व्यक्ति को नहीं, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। क्या वो भी सीखे होते हैं, यही बिजली का काम सीखते हैं कि अलग मूवमेंट करनी होती है? उसका हमारा काम नहीं कर सकते वो। अच्छा, हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, काम नहीं कर सकते वो। अच्छा, जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें कहते हैं बहुत सारा ज्यादा करंट होता है, तो वहाँ मतलब कि कभी कभी मान लो कि आपने घर से जो मेन तार है वहाँ लगानी पड़ती है, तो वो भी आप कर सकते हो? वो आपका काम नहीं है, हमारा तो मीटर से आगे काम है। अच्छा अच्छा, जो जो मीटर लग गया, मीटर से आगे सप्लाई हमारे काम है। बिल्कुल, खंभे से मीटर तक का सप्लाई। कभी कभी बीच में टूट जाती है तार, वो जोड़ सकते हो? अच्छा, वो नहीं है, घर से मीटर तक टूट जाए तो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, जब मीटर से आगे आगे टेक्निकल टेक्निकल काम, ठीक है। आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हो, जो नौजवान है ये काम में काम सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सर, उनका शौक है तो अपने अपनी लाइफ पे। सर, अच्छा, उनके शौक के ऊपर, शौक के ऊपर है। अच्छा, ऐसे है ना, कई काम आता नहीं है, वो तला चक्की फिरते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, करंट अकाउंट लग जाता है, कोई 10 रुपए लेता है, 20 रुपए लेता है। सही बात, जो आगे काम कर रहे हैं उसका भी, उसको भी थोड़ी देर, मतलब उसका शौक हो तो उसको सीखना चाहिए, मतलब चाहे उसमें पैसे बने ना बने, शौक के ऊपर, उसके शौक से वो आगे बढ़ सकता है। मैंने ये देखा है कि यहाँ से कई लोग चंडीगढ़ में चले गए या लुधियाना चले गए या दिल्ली चले गए, अच्छी कंपनियों में इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर वो लगे हुए हैं, वो इससे उनकी क्वालिफिकेशन कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 प्लस 2 है, पर उनको परमानेंट उनके पूरी कंपनी का उनके पास कंट्रोल है। अब जैसे ये छोटा सा ऑफिस है, इसमें आपके पास 10-15 पॉइंट होंगे, तो बहुत बड़ी कंपनी की अगर बात करें, मान लो जहां मतलब 1000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, 2000 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वहां तो स्पेशली एक एम्प्लॉय ऐसा भी चाहिए जो बिजली का काम देखता हो, ठीक है। तो इसमें कह रही है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है, दिल लगा के काम करें।